वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इंदौर मनीष कपूरिया के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर अरविंद तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात इंदौर अनिल कुमार पाटीदार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में किस प्रकार कमी लाई जाए, इस उद्देश्य से शहर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध यातायात व्यवस्था के साथ साथ ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से विशेष रूप से कार्यवाही कराई गई। यातायात पुलिस इंदौर द्वारा समय समय पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाता रहता है। शनिवार को यातायात पुलिस इंदौर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। शहर के बंगाली चौराहा, मधुमलन चौराहा, निपानिया, नोलखा, मुसाखेड़ी, पलासिया, मालवामील चौराहों, महुना का चंदन नगर, राजवाड़ा, बड़ा गणपति, पलसीकर, गंगवाल, गोपुर चौराहा, चोइतराम चौराहा पर यातायात के अधिकारियों द्वारा 37 वाहन चालकों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने की कार्यवाही की जाकर उनके वाहन जब्त कर थाना यातायात में खड़े किए गए एवं प्रकरण निराकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय इंदौर भेजे गए। साथ ही लाइसेंस निलंबन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर भेजे जाएंगे। उपरोक्त कार्यवाही के साथ साथ यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले अन्य वाहन चालकों के विरुद्ध भी यातायात पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते 14 वाहन चालक, हेलमेट नहीं पहनने वाले 61, संकेत उल्लंघन करने वाले 158, बिना नंबर प्लेट 11 एवं अन्य धाराओं में 64 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर राशि 131,000 रुपए समन शुल्क जमा कराया गया। इंदौर यातायात पुलिस वाहन चालकों से अपील करती है कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाए, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहे। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.